I'm sorry. वीडियो कैसे बना दी हिली हिली से। अब ठीक है, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बैक टू बैक लगी हुई हूँ एकदम। अभी तो 3-4 वीडियोस पहले आ चुकी हैं और अभी फिर दोबारा से अब क्या दिखाने वाली है, ये दिखाने वाली नहीं, बस ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस डालने की, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने की। अभी दिखाऊंगी पूरे दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, और फिलहाल मैं पौधों में पानी देने ऊपर आई हूँ। दो दिन से मुझे इतना हैवी कोल्ड और इतना हेडेक हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। कल तो पूछो मत, मैं इतनी छींके मारी है ना, मतलब ऐसा लग रहा था हर 5 मिनट में 2-3 छींके आ ही जा रही है मुझे। और मैंने इतना हैंकी यूज़ किया, इतना हैंकी यूज़ किया, कहीं होता नहीं जब आप इतना हैंकी यूज़ करते हो नाक पे तो ये नाक यहाँ से छिल से जाती है, फट से जाती है, और वही मेरा हाल हो रहा है, इतना इरिटेशन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि कोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना, इसके बाद ही सारी चीज़ें हो जाती है, कोल्ड के बाद हेडेक, आपको बुखार भी हो जाएगा, फिर आपको कफ से खांसी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। वैसे तो सुबह नहाने गया भी, पर मैंने अभी तक सुबह उठ के चाय भी नहीं पी है, 1:30 बज रहा है, चाय भी नहीं पी, सोच रही चाय बना कर ही पी कर ही जाती हूँ। आई एम सॉरी, चाय बना रही हूँ, चाय में मैं अदरक इलायची जैसी बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है छींक आएगी। चाय में अदरक इलायची लौंग काली मिर्च सब डालूंगी। ए धन्नो हाँ। चाय पिएगी? चाय पिएगी क्या? यस, मुझे परमिशन होती ना ये जीन्स की कहानी सुनाने की तो मैं सुना देती। किसको चक्कर भी लग रही अभी? अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये जो ये है इसको आप लोग क्या बोलते हो? कुछ लोग बोलते हैं तहरी, कुछ लोग बोलते हैं तहरी, कुछ लोग नहीं। हाँ हाँ ओके, यूपी वाले बोलते हैं इसको तहरी, यूपी वाले भी बोलते हैं, और भी बहुत लोग बोलते हैं तहरी, ठीक है। और कुछ लोग खिचड़ी, कुछ लोग मटर पुलाव, कुछ लोग पीले चावल। चावल खिचड़ी वो होती है जो दाल की बनती है, ओके, मूंग दाल की खिचड़ी, उसे क्या बोलते हैं? मैं वही बोल रही हूँ ना, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। अच्छा तुम लोग क्या बोलते हो? हमें पता नहीं, हम तो खिचड़ी बोलते हैं। हम खिचड़ी नहीं बोलते, पहले खिचड़ी नहीं बोलती थी। अच्छा उसको क्या बोलते हो? किसको? वो जो मूंग दाल की बनती है, वो पतली खिचड़ी, वो पतली, वो मतलब वो उसमें भी पतला वो होता है, उसको पूरा बोलते हैं मूंग दाल की खिचड़ी। मटर और चावल की खिचड़ी, मटर और चावल की खिचड़ी। बड़ा काला काला आ रहा है, ज्यादा शॉर्ट में लूंगी। हाँ यार आपसे यार, क्या फिलहाल हम लोग खाना वाना खाकर निकलते हैं बाहर, फिर हम बताते हैं आपको कि हम क्यों जा रहे हैं। एक बार फिर से दिखा दो, लाइट लग रही है इसमें। हाँ अब लाइट लग रही है। सुमित इधर देखना, मैं कुछ ज्यादा ब्लू व्हाइट नहीं हो रही हूँ? मैं कुछ ज्यादा ब्लू और व्हाइट नहीं हो रही? देखना ऊपर से लेके मास्क, दुपट्टा, जैकेट और नाउ चप्पल। हमारी बाइक भी ब्लू, सुमित का कपड़ा भी ब्लू। ये है हमारी नियर बाय मार्केट, फार्म हाउस। चाहता मत बोलो, मैं डोमिनोज वाली नहीं हूँ, फार्म हाउस बनाऊंगी। जो बन जाएगा वो बनाऊंगी, पहले बस ये बन जाए। चीज वाज फार्म हाउस पिज़्ज़ा। लेट्स सी बारे में तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं माइक्रोवेव का उद्घाटन। हाँ माइक्रोवेव का उद्घाटन करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा के साथ, बस चीज ठीक ठाक बन जाए। अभी लेने आए हैं पिज़्ज़ा बेस। आज डोमिनोज नहीं, आज हम बनाएंगे डोमिनिक पिज़्ज़ा। ये क्या है? तो वो भी कॉपी करके इनसे रेसिपी पूछ के चले जाते हैं। चीज़ ढूंढो, चीज़
देखो अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ छोटे छोटे पैकेट्स में मिल गया है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली है, मतलब एक्स्ट्रा भी करी है जरूर, सारी चीज़ सिर्फ पिज्ज़ा के लिए नहीं है, सामान नहीं मतलब पिज्ज़ा के लिए है, जैसे सब्जियाँ जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ वन टाइम पिज़्ज़ा के लिए। चलो सामान लेके चलते घर और घर में ट्राई करते पिज़्ज़ा, होप्स हो कि बन जाए। मौसम देख रहे हो, मौसम बिल्कुल धूप नहीं आई है आज बिल्कुल भी, और इतनी मस्त हवा चल रही है, और यहाँ पर आके मेरे को थकावट मतलब छीप भी नहीं आ रही है, इतनी हवा में हूँ मैं, और घर में तो मैं परेशान हो गई थी माय गॉड। घर तो आ गया, हम सारा सामान लेके धक 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 हो रही है, मुझे डर है कि सामान बर्बाद ना हो जाए, और कुछ नहीं बस कुछ चलो खाने लायक बन जाए। ये सामान हम लोग लेकर आए हैं पिज्ज़ा बनाने के लिए, करो मुझे सेट करो, कर रहे थे सुमित को मैंने कैमरा पकड़ाने को दिया, सुमित को ऑन करते पहले ऑन करने से पहले थोड़ी देर तक मुझे ही सेट करने में लगा, मैंने इसका उसकी तो नहीं है। हाँ ये देखो थोड़ा सा कैमरा के एंगल ऐसे रखो कि पीछे वाला इंसान भी आए, तुम भी आओ, और तुम अपने आप को मत देखना, कैमरे को देखो उधर। ओके ये हाँ, थोड़ा सा बटर हमने इसके नीचे लगा दिया बेस पे, ताकि अगर ये कुक हो तो अच्छे से हो। मैं देखूं, मुझे तो इसमें टेम्परेचर भी सेट करना नहीं आता, एक बार थोड़ी हेल्प करा दो यार, टेम्परेचर सेट करने में मुझे नहीं आता। देखो ना दबाते जा रहे तो कम होता जा रहा है वो, ये तो टाइम उससे होगा, तो मैं मैक्सिमम 200 ही होगा शायद इस पर, ट्राई तो करो 200 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा तो हो सकता है मैक्सिमम, कोई नहीं फिर ज्यादा टाइम लगेगा। बताओगे सुमित तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से बेक कर रहे हैं पिज्जा का जो बेस है उसको जो उल्टे वाली साइड से थोड़ा सा बेक कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर कुक हो जाए। एकदम नजर लगाए बैठा है सुमित, नजर नहीं हटनी चाहिए वरना दुर्घटना घट जाएगी, अंदर इसमें नहीं दिखता दिख ना। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम गलत कर रहे थे, कन्वेक्शन में किया, हाँ बस इसको दबा दो वो अपने आप टाइम बना देगा। अभी तक हम सिर्फ उसको वो कर रहे थे गरम कर रहे थे। देखो ये तो इसकी जाली जाली ज्यादा दिख रही है, सुमित कह रहा है जिस तरह हमारे शौक शौक चल रहे हैं आज 10,000 रुपए ना कल पता है क्या हुआ, कल मैं कुछ इसमें गरम कर रही थी तो एकदम से मैंने गरम किया 30 सेकंड का टाइमर लगा के, जैसे 10 सेकंड हुए ना तो लाइट चली गई, तो हमारा इन्वर्टर जिस पे मैं ये लगाती हूँ उसका बोर्ड, तो इन्वर्टर का भी कनेक्शन इस पे है, जैसी लाइट गई ना विद इन 2 सेकंड इन्वर्टर बोल गया, लग रहा छोटा सा कांड हो गया है पिज्जा बेस ही ऐसा हो गया पीछे से उल्टी साइड, हमने कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब सीधा करो इसको, अब नॉर्मल पिज्जा बनाते हैं। बस अब ऊपर वाले का नाम लेकर माइक्रोवेव में डाल दो, बस सही से बन जाए, पहले वाले की तरह कांड ना हो जाए, इस बार हम लोग नजर गड़ाए रखेंगे एकदम। अभी अभी एक के साथ थोड़ा सा कांड हो गया था हमारे, अभी जाएगा उसके अंदर, अब भाई नाम बना है अभी अब जा रहा है बना रहा है पता नहीं रहा, तो हां अभी तो नया चीज भी डाला है इसके अंदर, सेट तैयार है जो बड़े ऑर्डर है अभी बड़े ऑर्डर है, हां बिल्कुल बढ़िया था 400 रुपए वाला था। मन हाथ जोड़ो भगवान जी को, बोलो प्लीज पिज्जा अच्छे से बनवा देना, बोलो बोलो हाँ, बोलो मुझे खाना है, खाना है हाँ, जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। गुड बॉय, देखो जो होगा ब्लास्ट ब्लास्ट जो होगा सब कैमरे पर होगा, इसके सामने ही खड़े रहो, कुछ होगा तो तुरंत बंद कर देना, कम हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिखाना
नाउ डालते हैं क्या? पता नहीं। चीज तो अच्छी है पर थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस का है, बहुत बेस में। हाँ बेस में। अब मैं फ्रेश डो के साथ बनाऊँ? नहीं लग रहा ये नमक वमक सब ऑरिगेनो में ही होता है शायद। मैं तो बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। दो में होता है, दो में भी होता है, इसमें भी। खींचो ओ तेरी की। तो अभी हमारा एक पिज्जा खा के मन नहीं भरा है क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था उस पर, ये ऐसा वे वैसा, ये ऐसा वे वैसा। तो अभी हमने एक और कुक करने को रख दिया। ट्रिन ट्रिन। ओए मजा आया। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अभी जो हमने सेकंड टाइम बनाया है ना, ये थोड़ा सा सही सा बन गया है, मतलब यूम स्मूथ है ना। देखते हैं खाने, अभी खाने के बाद पता चलेगा। अब पिज्जा घर में ही बनेगा, डेली पिज्जा, पिज्जा पार्टी होगी। जब तक शौक है तब तक पिज्जा पार्टी। चीज नहीं निकल रही ना इसमें से, वैसे निकल रही है पर ये सही लग रहा है। ऑन है। वो भी करो, वो भी उधर भी उठ रहा है। वो भी कुछ क्या काम। थोड़ा सा सॉफ्ट है ना ये। ये वाला बढ़िया बना है। इसका जो साइड वाला वो है ना, वो भी कुछ कर करने लगा। कुछ भी कहो लेकिन मजा आ गया, क्यों सुमित है ना? पेट भर के खाया हमने एकदम। और अब पता भी चल गया हम लोगों को कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि दूसरे वाला जो बेक हुआ है ना, एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट कुक था उसमें। सो आप लोगों ने देख लिया, बेसिकली मुझे आज यही दिखाना था कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कैसे कैसे यूज करा। काम पे गया था हमारा, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी क्योंकि मैं सुबह फिर भी जल्दी उठ गई थी, जल्दी उठी थी ना शायद। हाँ तो हम लोगों ने आपको दिखाया कि हमने फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव यूज कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चुल्लो रखी थी एकदम से यूज करने की। अब हम अपने अपने काम धंधे पे लग रहे हैं, तो आपसे अलविदा लेते हैं। सुमित अपना लैपटॉप निकाल लिया है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। हाँ सुमित ने अपना लैपटॉप निकाल लिया है, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर सो जाऊँगी। मैंने 4-5 घंटे की नींद ही पूरी करी थी सुबह, तो अभी 2 घंटे कम से कम और सोऊंगी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, वीडियो पे कमेंट भी कर देना। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मैं टाटा बाय बाय करो। टाटा बाय बाय। हाउस ऑफ जोश। हां हाउस ऑफ जोश।